In this video, I will demonstrate you the figure of 8 type of bandaging. I think you all know where the figure of 8 type of bandaging is used, mainly the joint, ankle joint, elbow joint, knee joint, mainly the figure of 8 type of bandaging is used, okay? Firstly, 2 circular turn as usual. For securing the bandage. Secure हो गया है. अभी figure of 8 नाम से ही पता चल रहा है 8 के तरह होगा. Means ये वाला turn ऊपर में जाएगा, जाके ये जो ankle joint है उससे turn होके ऐसे करके आएगा. ऐसे करके एट के तरह टर्न होके करना, टर्न करके करना है. तो एंकल कवर हो गया है. एंकल कवर होने के बाद ऐसे करके पहले की तरह ही सर्कुलर टर्न देके उसको खत्म करना है. दो सर्कुलर टर्न देके आउटसाइड ऑफ द बॉडी में इसको सेफ्टी पिन देके और अदर जो बैंडेज का पिन होता है वो देके सिक्योर करके रखना है. एक बार देख लो कैसा स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, ये जो एज है बैंडेज का एक ही लेवल में रहना चाहिए. ये कॉटन बैंडेज है इसलिए थोड़ा दिक्कत हुआ, ऐसा फोल्ड वगैरह आया. इलास्टिक बैंडेज और क्रेप बैंडेज होगा तो ऐसा नहीं होगा, इजीली हो जाएगा. ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर आएगा और ऊपर में जाके जहाँ पे उंड है मेनली एंकल को कवर करना है, एंकल जॉइंट में करना है. तो एंकल कवर हो गया है, ऊपर में जाके 2 सर्कुलर फोल्ड देके इसको एंड कर देना है. इसमें भी हम लोग चेक करेंगे क्या कैपिलरी रिफिल. तो पहले वीडियो में भी दिखा दिया कैसे कैपिलरी रिफिल चेक करना है. यहाँ पे भी टो में हम लोग चेक कर लेंगे कैपिलरी रिफिल. तो कैपिलरी रिफिल विद इन 3 सेकेंड होगा तो ये नॉर्मल है. जो बैंडेज जो है वो टाइट नहीं हुआ है उतना, ठीक ठाक है. और कैपिलरी रिफिल मोर देन 3 सेकेंड होगा तो हम लोगों को बैंडेज खोल के रिपीटेडली करना पड़ेगा. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ बैंडेजिंग. मोस्ट कॉमनली स्पाइरल, रिवर्स स्पाइरल एंड फिगर ऑफ 8 बैंडेजिंग टेक्निक. तुम लोग घर में ही बैंडेज, होममेड बैंडेज प्रिपेयर करके ये प्रैक्टिस कर सकते हो. आई थिंक दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू ऑल एंड प्लीज़ वॉच दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.